नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। कनाडा, जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तान, इन तीन शब्दों को हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं। कैसे जस्टिन ट्रूडो सही चीजों को छोड़कर गलत चीजों का साथ देकर अपनी गंदी राजनीति खेल रही हैं और इस गंदी राजनीति के चलते वो भारत पर भी बेबुनियादी आरोप लगा रही हैं। ट्रूडो अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत से सबूत मांगते हैं, लेकिन उनके पास खुद कोई सबूत नहीं है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत है। जस्टिन ट्रूडो की इस हरकत से न केवल भारत बल्कि उसके अपने देश के पत्रकार और सांसद भी ट्रूडो का खूब मजाक उड़ा रही हैं। हाँ, बात इतनी बढ़ गई है कि अब लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। उनकी कुर्सी पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं। कनाडाई मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार लिबरल पार्टी के कम से कम 30 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें ट्रूडो से पद छोड़ने की मांग की गई है, लेकिन फिर भी ट्रूडो अपने इस बचकाने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में अपनी गंदी राजनीति के चलते जस्टिन ट्रूडो ने सिद्धू मूसेवाला हत्या के मास्टरमाइंड और कई अन्य मामलों में भारतीय एजेंसियों के द्वारा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार को बड़ी राहत दे दी है। कनाडा ने उसका नाम वांटेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले कनाडा सरकार ने फिर से दावा किया था कि निज्जर हत्या मामले में उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास सबूत है कि हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसका भारतीय सरकार द्वारा जोरदार खंडन किया गया था। इसके बाद भारत ने अपने राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया था। सरकार ने यह फैसला उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया था और कनाडाई राजनयिक को भी वापस जाने के लिए कहा था। कनाडा से बुलाए गए राजनयिक संजय वर्मा के मीडिया रिपोर्ट में छपे बयान के अनुसार कनाडा ऐसे अपराधियों और कट्टरपंथियों को पनाह दे रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। कनाडा का ये रवैया आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई सहित कुछ गैंगस्टरों के नाम कनाडा को मुहैया कराए हैं ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद गोल्डी बरार का नाम हटाने के फैसले ने भारत में सुरक्षा और न्याय से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, जस्टिन ट्रूडो अपनी गंदी राजनीति के चलते कैसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम वांटेड लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार ट्रूडो ऐसा करके क्या साबित करना चाह रही हैं? क्यों वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? क्यों वो ऐसे कार्य कर रही हैं जो साफ साफ ये दर्शा रहा है कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।